इंडिया में जो डेली जो केसेस आ रहे हैं वो 3 लाख के ऊपर अभी हो गए हैं, तो जो कि बहुत सबसे ज़्यादा है पूरी दुनिया में अभी तक जब से पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है। नवंबर, दिसंबर, इवन जनवरी तक जो है कोविड काफ़ी कम हो गया था। आज जो है तीसरा फेज है जिसमें कि इकोनॉमी और हमारी लाइफ जो है पूरी रूटीन तरीके से चल रही है, लेकिन कोविड बढ़ रहा है। कि जो अभी कुछ इवेंट्स हुए रिसेंटली वो बहुत ही मेरे ख्याल में अनफॉर्चुनेट है। बड़ी बड़ी इवेंट्स को परमिशन देना, कुछ बड़े बड़े गैदरिंग्स हुए, शायद ये उसका नतीजा है। वो खमियाजा अब सबको कलेक्टिवली भुगतना पड़ेगा। दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक में जो भी जो हाल है यहाँ पर भी, अभी आपने देखा है कि यहाँ पर भी हमें 2200-2300 के आसपास जो रोज़ अभी केसेस आ रहे हैं J&K में। और हम भी मतलब जैसे पूरे देश में जैसे इस पैंडेमिक का वबाई कहर जो है वो हमारी पार्ट में, हमारे जो J&K में भी अभी हमें ऐसा ये लग रहा है कि अगले 10-15 दिन काफ़ी क्रूशल होंगे इस बारे में। आप देख रहे हैं रोज़ाना जो नेशनल लेवल पे जो फिगर्स आ रहे हैं, अब लाखों में फिगर्स आ रहे हैं। पहले अगर इनिशियली आप देखें कुछ हज़ारों में आ रहे थे, तो इसका मतलब ये कि जो इस वक्त स्ट्रेन है काफ़ी विरुलेंट स्ट्रेन है, जिसकी वजह से जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है काफ़ी जगह मुतासिर हो चुका है। और जो मेन स्टे ट्रीटमेंट का ऑक्सीजन, वो उसकी रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गई है। और कई जगहों पर ये भी सूरत हाल है कि वो पूरी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से लोगों में अमवात बढ़ रही है। आपको भी मालूम है, हम सबको मालूम है कि जब थोड़ा सा उसमें कमी आई तो लोगों ने बिल्कुल उसमें केयरलेस हो गए। वो तो शायद ये उसी का नतीजा जो आज हम देख रहे हैं, जो केयरलेस हुए, अभी कोई ख़त्म नहीं हुआ था, वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो वो गुजार रहे थे इससे पहले, उसी तरह की वो ज़िंदगी गुजारने लगे। जब टूरिस्ट लॉकडाउन हो जाएगा, टूरिस्ट बंद हो जाएगा, तो हम तो मर जाएगा ना फिर। वो 2 साल तो हमने किस तरह जेल दिया है, मगर अब नहीं जेल सकता है। पैंडेमिक को अगर ख़त्म करना है, पैंडेमिक को एक आसान तरीका ख़त्म करने का होता है वो है मास वैक्सीनेशन। यानी 70% 80% लोग जब वैक्सीनेट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो सोसाइटी है उसमें एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी। हर्ड इम्यूनिटी 5% लोग वैक्सीन करेंगे उससे डेवलप नहीं होगी। हर्ड इम्यूनिटी तो तब डेवलप होगी जब 60-80% लोग जो हैं वो वैक्सीनेट करेंगे अपने आप को। उसके बाद एक सोसाइटी में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी तो ऑटोमेटिकली जो पैंडेमिक है वो ख़त्म हो जाएगा। सबसे बड़ी जो चैलेंज आ रही है अभी इस टाइम में वो है ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की वजह से सड़कों पर मर रहे हैं, हम देख रहे हैं उन वीडियोज़ को, तो हम चाहते हैं कि ऐसे हालात यहाँ पर पैदा ना हो। अभी हमारे पास तकरीबन 80 मशीन्स हैं, हालांकि पूरे टोटल में हमारे पास विद बाईपैप, सीपैप एंड ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर मशीन तकरीबन 400 के करीब हैं। और 400 में से हमने 50 को हमने स्टैंड पे रखा है। वो हम अगले मंथ के लिए हम सोच रहे हैं कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन होगी अनफॉर्चुनेट या कुछ ऐसा होगा जो लोगों की तवक्कोआत हैं, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, उसके लिए हम उसको रिजर्व रखेंगे। सिचुएशन और वर्स होने के पहले ही, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में है, इवन पब्लिक में है, कॉमन मासेस में है, कोविड रिलेटेड कोई कैलसनेस नहीं होना चाहिए। दूसरे स्टेट्स किस हालात से गुजर रहे हैं उससे चलते हमने सुधरने की जरूरत है। सो लोगों तक हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इस वक्त दो चीज़ें हमें अपनानी चाहिए कि घरों से गैर ज़रूरी तौर बाहर ना निकलें, और इस वक्त जो वैक्सीन अवेलेबल हैं वैक्सीन लगाएं और ख़ुद को और अपने घर वालों को इस कोविड से बचा लीजिए। Thank you.